हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, 5 बजने वाले हैं और मैं निकल रहा हूँ मेरी क्लास के लिए। आज मेरी सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं, सो आज थकावट वकावट वाला कोई सीन नहीं है, पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। और ये रहा मेरा सेंटर, ऐसा है बाहर का व्यू यहाँ से। सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हमारा डे स्टार्ट हो चुका है, क्लास है, मैं आ चुका हूँ अपनी वापस, और बबीता इधर ब्रेकफास्ट तैयार कर ली है, नहा धो के मैंने पूजा वगैरह कर ली है। बबीता इधर ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं हम लोग बेसन का चीला, और क्योंकि नवरात्रे चालू हैं सो नो एग्स फॉर ऑल 9 डेज, 9 दिन पूरे कुछ नॉनवेज नहीं खाना है, कुछ भी नहीं। गाइस, जब से मैं वेतना में आया हूँ इतना खतरनाक बारिश मैंने आज तक नहीं देखा। वो मेरे को लगता है कि स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है, बहुत खतरनाक हैवी वाला है। आप देख सकते हैं कितना तेज बारिश है, कितना ज़्यादा तेज। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक नैप लेके उठा हूँ, मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे को जाना था बाहर थोड़ा ब्रेकफास्ट अपना लंच का सामान लेने के लिए, बट नहीं जा पाया, बारिश इतनी तेज थी जैसा कि मैंने आप सब लोगों को दिखाया ब्रेकफास्ट के बाद। बारिश अभी भी नहीं थमी है, बारिश अभी भी हो रही है, बट वेदर थोड़ा सा साफ़ हो रहा है, बादल जा रहे हैं, क्लियर हो रहा है वेदर थोड़ा सा, तो अगर बारिश रुकती है तो बाहर जाते हैं सामान वामान लेने के लिए, अदरवाइज़ तो शाम की क्लास के टाइम ही बाहर निकलना पड़ेगा। और रील्स तो आज भी नहीं शूट कर पाएंगे, आप देख सकते हैं पूरा फ्लोर एकदम वेट हुआ पड़ा है, और तो पॉसिबल नहीं है रील शूट करना, तो देखते हैं बारिश रुकती है तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे सीधा क्लास के टाइम। और हमारा अंदर लंच बन के रेडी है, बाहर में आपको आया था दिखाने के लिए बारिश, लंच में आज हम लोग खा रहे हैं राजमा चावल। ये क्या कर दिया बाबू? ये फेस पैक लगाया है मैंने। कौन सा फेस पैक? एवोकाडो होता है ना, वो खराब हो रहा था तो मैंने उसमें दही और नींबू मिला के फेस पैक बना लिया। कैसा लग रहा है? देखो तो अजीब लग रहा है दिखने में, बट उसका इफेक्ट काफी अच्छा होता है, स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, मैंने पहले भी बनाया था। ये दिखने में काफी अजीब लगता है बट इसका आफ्टर इफेक्ट काफी अच्छा होता है, स्किन एकदम स्मूथ होती है। लास्ट वीक मैंने भी किया था, सबसे पहले मैंने किया था स्क्रब, फिर उसके बाद मैंने किया था स्क्रब करने के बाद क्या किया था बाबू हम लोगों ने? स्क्रब किया, स्टीम लिया। हाँ, स्क्रब किया था, फिर मैंने स्टीम लिया था, फिर उसके बाद मैंने ये लगा था, स्किन मेरी एकदम ऐसा चमकने लगी थी और एकदम स्मूथ हो गई थी। सो मैं ये वीक भी करूँगा एक बार, मैं भी कल करूँगा मैं, है ना? मेरे को कल करोगी दोबारा से? पक्का? कैसे लग रही फोड़े आए मेरे? बाबू तुम तो बहुत गोरी हो गई यार, मेरे को अभी जेलसी सी फील हो रही है, मैं कैसा डल सा लग रहा हूँ। गोली गोली गोला गोला तो तुम हो ही, गोरी हो गई हो गोरी। नहीं देखो, स्किन में कितने शाइन करने लगी। हाँ, वेरी गुड। किस किस को पता है कि घर पे नेचुरल फेस पैक कैसे बनते हैं वो बताओ हमको, हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अच्छा, ये वाला फेस पैक है ना जो मॉइस्चराइज करता है, मतलब ड्राई स्किन के लिए। तुमने कैसे बनाया था तुम भी बता दो इनको, ये भी लोग ट्राई कर लेंगे, आप भी ट्राई करना इसका वाला फेस पैक, बहुत अच्छा। मैंने बता तो दिया, एवोकाडो एक बार फिर से बताओ। एवोकाडो ले रहे का उसको, तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट होता है, उसको मैश करने का, उसमें दही और नींबू डालने का और लगा देने का। एवोकाडो को, एवोकाडो को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है क्या? मेरे को नहीं पता है एवोकाडो पता है। एक ना फ्रूट आता है हरा सा, इंडिया नहीं, एवोकाडो तो मोस्टली सब लोग को पता है, सारे नु पता ही होना वा, उन्हें मैश कर कोट लेना वा चंगी तरीके ना, कोट लो ओदा पूरा चटनी टाइप जी बना दो, मुंह दे ला दो, मुंह दे लाने तो बाद जो तू मुंह तो हो गए, मुंह निखर के आएगा बाहर एकदम, शाइन करेगा पूरा, ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छा है। पूरा सलमान खान, शाहरुख खान सारे नु पीछे सेट देना ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਣਾ। अभी क्लाइमेट इतना खराब है ना, स्किन पूरा ड्राई हो गया था मेरा, अब स्किन कितना अच्छा लग रहा है, शाइन कर रहा है। मेरा कितना स्किन अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा, तुम्हारा तो नेचुरल है ये। सो गाइस, 5:45 का मेरा दूसरा क्लास है और मैं पहुंच गया क्लास के लिए, और आधे से ज्यादा मैं भीग चुका हूं, बारिश बहुत तगड़ी वाली हो रही है, थोड़ा सा घूम फिर के मेरे को पैर सुखाने पड़ेंगे, पैर पूरे भीगे हो गए मेरे बारिश की वजह से। स्लीपर साथ में कह रही किए थे, स्लीपर पहन के था, शूज़ साथ में कह रही किए, अगर गीले पैर शूज़ में रख दूंगा तो स्मेल करेंगे शूज़ बहुत ज़्यादा, इसके लिए मैं पहले पैर सुखा रहा हूँ फिर उसके बाद शूज़ पहनूँगा।
फिनिश माई जुम्बा क्लास, और जिन लोगों को लगता है कि जुम्बा क्लास काफ़ी ईजी है उनके लिए एक मैजिक दिखाता हूँ। सीरियस सीरियस हम लोग को पालक मिल गया है, कभी मिलता नहीं है यहाँ पे। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से मिलना, पालक मिलना यहाँ पे। पालक महंगा देखो कितना, मेरे मुंह पे मार। 20 वीएनडी मतलब 200 ग्राम की पालक इंडिया के साथ 60 रुपए की। हाँ महंगा है, बहुत डिफिकल्ट मिलता है। मोस्टली मॉल में ही मिलता है, लेने गए थे हम लोग एक चीज पर, लेके आए हैं 10 चीजें। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम लोग बाहर जाएं और सिर्फ एक चीज लेके घर वापस आ जाएं। लेने गए थे खाली पालक, पालक की जगह पे हम लोग लेके क्या, पालक की जगह पे ले आए हैं फ्रेंच फ्राइज। बहुत दिनों से फ्रेंच फ्राइज खाए नहीं थे, हम लोग ने लाए हैं फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज लाए हैं, फिर ये दही ना पैक, ऐसे दही मिलता है, ऐसे पैक में दही मिलता है छोटे छोटे। कितना ग्राम है ये, 100 ग्राम होगा, 50 ग्राम नहीं, 100 ग्राम का एक एक ऐसे पैकेट्स मिल रहे हैं। और इस पे लिखो, देखो क्या लिखा होता है, कम डुआंग, डुआंग मतलब शक्कर, कम मतलब नो, सो नो शुगर, विदाउट शुगर दही है। यहाँ पे फ्लेवर वाला दही भी मिलता है, फ्लेवर वाला हर फ्लेवर मिल जाएगा आपको, मिलता है आईटी डोंग मिलता है, कोडोंग मतलब मीडियम शुगर, आईटी डोंग मतलब बहुत सारा मीठा। फिर हम लोग को वो वॉलनट वाला दही मिलता है, स्ट्रॉबेरी वाला दही मिलता है, आलमंड्स मिलता है, आलमंड वाला काफी सारे फ्लेवर के मिल जाते हैं। फिर ये है यहाँ का बेस्ट ब्रांड है ये दूध का, मिल्क, जैसे अपने इधर अमूल है ना वैसे इधर इसका बटर और ये सब कुछ इसका मिलता है, ट्रू मिल्क है। फिर हम लोग लाए हैं राइस 5 kg, ये वर्ल्ड के बेस्ट राइस में है, नहीं हालांकि ये नंबर के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ये ST21 इधर लिखा हुआ है, ST21 और फिर दूसरा आता है ST25 है, ST24 भी आता है, नहीं पर तुमको नंबर नहीं मिला। ST25 है ना, वो वर्ल्ड का बेस्ट राइस है, आप गूगल में सर्च करोगे ना ST25 वर्ल्ड का बेस्ट राइस है। तो हम लोग को अभी ST21 ही मिला, 25 नहीं मिला, 21 मिला, 24 भी मिला था वो हम लोग ने लिया नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था। ये 21 ये भी बेस्ट होगा राइस, अभी हम लोग कुक करेंगे और देखेंगे ये कैसा बनता है। ये ना बासमती राइस नहीं मिलते अपने इंडिया जैसे, मिलते होते तो मजा आ जाता, बासमती राइस सिर्फ इंडिया में मिलते, मजा आ जाता ये, और बाहर मिलते रहेंगे पर इंडिया वाला ब्रांड मेड इन इंडिया। इधर तो ऐसे ही राइस मिलते हैं नॉर्मल वाले। ये क्या हो गया, सो ये देखिए चावल बने हैं काफ़ी अच्छे, जो हम लोग यहाँ से लेते हैं उससे तो काफ़ी अलग है ये, थोड़ा इसका मतलब बड़े दाने वाले हैं। कैसे लगे बाबू तुमको, चिपचिपे भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली यहाँ के राइस ना बहुत चिपचिपे से होते हैं। हाँ ये काफ़ी अच्छे है ना, बड़े दाने वाले बने हैं, थोड़े से इंडिया जैसे खुले खुले बने। हाँ बढ़िया लग रहे हैं यार, नेक्स्ट टाइम से यही वाले राइस लेंगे, है ना बाबू।